सदन में हमने यह प्रस्ताव लाया है कि सरकार विश्वास मत हासिल करे और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, उस पर वाद विवाद भी चल रहा है और इससे पहले भी जब आदरणीय चंपेश्वरी जी ने अध्यक्ष महोदय आदरणीय चंपेश्वरी जी ने विश्वास मत लिया था, बैठे नहीं यार बैठे बैठे ना अध्यक्ष महोदय, सदन नेता का बात हो रहा है, मान्य सदस्य आप लोग तो बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, पूरा सोनू जी अध्यक्ष महोदय सोनू जी आप लोग बैठिए, ये ऐसे ही आचरण करेंगे सोनू जी, सोनू जी बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, चलिए आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, चलिए माननीय मुख्यमंत्री आप लोग बैठिए ना यार बैठिए ना, चलिए आनु जी आप समझदार आदमी है, आप समझदार आदमी है, चलिए अध्यक्ष महोदय हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं, खैर उससे कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है ना इनके पास कोई एजेंडा है, आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें, इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है, भाषण तो आप लोग नहीं झेलेगा तो चलेगा, मान्य नेता जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाएं वापस अध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ी बात होगी, पूरे देश ने लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है इनके जो षड्यंत्र है ये षड्यंत्र में इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा, आदरणीय चंपेश्वरन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सत्ता को भी चलाया सरकार को भी बचाया, नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है, मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय वो भी निपटेंगे, सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है,
अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इस प्रस्ताव पर विनिश्चय माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाए। सचिव मत विभाजन का घंटी बजाए। घंटी बजाइए। सदन का पूरा कार्रवाई आपके समक्ष हुआ कि आज हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस सदन उस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष की नीति भी आपके सामने है और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।